Welcome to your class 7th online science classes. And in this video, we will discuss the use of electromagnet and the remaining topics of chapter number 11 from your fiction science book. And the name of the chapter is Electric Current and Its Effect. So the previous topics we have already covered so far. So let's start. What are the uses of electromagnets? So there are many uses of electromagnets in our daily life. Some of them are as follows. देखिए हम electromagnets के बारे में पहले पढ़ चुके हैं कि जब अगर हम एक आयरन रोड ले लेते हैं और उसके चारों तरफ हम कोइलिंग कर देते हैं कॉपर वायर की या किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर की, तो जो आयरन रोड होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक मैग्नेट में, बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अराउंड इट. तो इसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेट. तो इलेक्ट्रो मैग्नेट यूज कहाँ पे होती है इसको हमें पढ़ना है. सबसे पहला यूज देखिए, द मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेट इज इन इलेक्ट्रिक मोटर. सबसे ज्यादा जो यूज होता है इलेक्ट्रो मैग्नेट का वो इलेक्ट्रिक मोटर्स में होता है, यानी जो भी बिजली से चलते हैं मोटर्स, उससे चाहे वो वाटर हो चाहे वो फैन वगैरह में हो, उसमें यूज करते हैं. इट इज यूज टू मेक इलेक्ट्रिक मोटर्स दैट आर यूज इन सेवरल अप्लायंसेस सच एज फैंस, रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, इलेक्ट्रिक बेल्स एंड टेलीफोन. देखिए जो ये है वो हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर्स, कहाँ कहाँ पे मिलते हैं हमें, जैसे फैन के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर, एयर कंडीशनर, एसी जो होती है उसमें, इलेक्ट्रिक बेल्ट में, या टेलीफोन के अंदर भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज करते हैं. तो इट इज यूज्ड इन मैग्नेटिक क्रेन्स फॉर लिफ्टिंग एंड कैरिंग हैवी स्टील एंड कास्ट आयरन आर्टिकल इन द फैक्ट्री. देखिए फैक्ट्री में जो स्टील बनाने वाली फैक्ट्री है या जो कास्ट आयरन के आर्टिकल्स बनाती है, उनको उठाने के लिए, क्योंकि बहुत हैवी होते हैं और जो नॉर्मल मैग्नेट है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, इन जैसे ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करते हैं तो उसे मैग्नेटिक क्रेन्स में यूज़ किया जाता है लिफ्टिंग करने के लिए, यानी उठाने के लिए. देन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड ऑन क्रेन्स इन स्टील वर्क्स एंड स्क्रैप यार्ड फॉर लिफ्टिंग हैवी लोड्स. स्क्रैप यार्ड में भी हम यूज कर सकते हैं, स्टील वर्क के अंदर भी हैवी लोड को उठाने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ किया जाता है. आई स्पेशलिस्ट डीलिंग विद आई इंजरीज, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज फॉर रिमूविंग आयरन स्प्लिंटर्स फ्रॉम द आईज. अब देखिए जो आई स्पेशलिस्ट होते हैं, कभी कभी आंख के अंदर कुछ आयरन के पार्टिकल्स चले जाते हैं, तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज कर सकते हैं उन आयरन के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं आंख से निकालने के लिए. और मोस्ट इम्पोर्टेंटली बुलेट ट्रेन यूज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. जो बुलेट ट्रेन है वो किसका प्रिंसिपल यूज करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का. उसकी जो पटरी बनी हुई होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, उसी के ऊपर बुलेट ट्रेन चलता है. इलेक्ट्रिक बेल, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इलेक्ट्रिक बेल. एन इलेक्ट्रिक बेल वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. जो इलेक्ट्रिक बेल होती है वो भी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर डिपेंड करता है, उसका जो कॉन्सेप्ट है कि जैसे ही हम करंट, एक करंट कैरिंग कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट शो करना शुरू कर देता है, तो उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इट हैज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इन इट, इसमें भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है. इट इज द डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. और इलेक्ट्रिक बेल एक डायरेक्ट एप्लीकेशन में से आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट की. एन इलेक्ट्रिक बेल कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट. अब हम पार्ट्स पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है. फर्स्ट हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक बेल के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, आर्मेचर होता है, गोंग, स्विच, कॉन्टेक्ट स्क्रू, स्ट्रिप, स्प्रिंग, हैमर. A horseshoe type of electromagnet is used in an electric bell. जो horseshoe type electromagnet है वो electric bell का हम use करते हैं. Now see the working of
पढ़ने से पहले हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। देखिए ये सब इसके अंदर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, स्प्रिंग्स लगे हुए हैं, ये सॉफ्ट आयरन आर्मेचर लगा हुआ है, ये हैमर है और ये गोंग बोला जाता है जिसके ऊपर ये हैमर पुट करेगा। तो हैमर इम्प्रेशन जब भी डालता है तो आवाज करना शुरू कर देते हैं इलेक्ट्रिक बैल। ये बैटरी है जहाँ से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा, ये स्विच है, जैसे ही स्विच ऑन करते हैं हम वैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट होगा तो ये इसको मूव कराना शुरू कर देता है ठीक है आर्मेचर को, और आर्मेचर से हैमर अटैच है तो गोंग पे लगता है, इलेक्ट्रिक बेल चलना शुरू कर देती है और ये इसकी वर्किंग के अंदर। तो वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल चेक कर लेते हैं कि व्हेन वी प्रेस द स्विच द इलेक्ट्रिक करंट ऑफ द बेल इज कंप्लीटेड एंड ए करंट पासेस थ्रू द कॉइल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड इट गेट्स मैग्नेटाइज। जैसे ही हम देखिए प्रेस करते हैं स्विच को तो जो इलेक्ट्रिक करंट है बेल का वो कंप्लीट हो जाता है और करंट पास करना शुरू कर देता है कॉइल से, और जैसे करंट पास करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट से वो मैग्नेटाइज हो जाएगा यानी मैग्नेट इफेक्ट शो करना शुरू कर देता है। द इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्ट्स द आर्मेचर टुवर्ड्स इटसेल्फ, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो आर्मेचर को जो अभी देखा था हमने अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। द हैमर अटैच टू इट स्ट्राइक द गोंग एंड प्रोड्यूस ए साउंड। अब जो हैमर अटैच है इससे वो क्या करता है, उससे गोंग के ऊपर स्ट्राइक करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है। तो व्हेन द आर्मेचर मूव टुवर्ड्स द मैग्नेट इट्स कॉन्टैक्ट विद द कॉन्टैक्ट स्क्रू इज ब्रोकन एट पॉइंट पी। अब देखिए जैसे ये पॉइंट पी दे रखा है यहाँ पे, तो ये जैसे ही बेल की तरफ चलेगा इधर की तरफ, ये आर्मेचर इधर से इधर मूव करेगा तो इस पॉइंट पी से दूर हो जाएगा, तो जो इलेक्ट्रिक करंट है सर्किट ब्रेक हुआ, तो जैसे ही ब्रेक होगा ये फिर से वापस आएगा ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बंद हो जाएगी तो ये फिर से वापस चला जाएगा, फिर पॉइंट पी है इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही फ्लो करना शुरू करेगा फिर से इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट, तो ये बार बार रिपीट होता है, बहुत जल्दी से होता है। तो ड्यू टू दिस द इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेक्स एंड नो करंट फ्लोज इन द इलेक्ट्रोमैग्नेट कॉइल, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो ब्रेक हो जाएगा और कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर। तो द इलेक्ट्रोमैग्नेट loses its magnetism and the armature is no longer attracted by it। और जैसे करंट फ्लो नहीं होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेटिज्म खो देता है और आर्मेचर अब अट्रैक्ट नहीं होता उसकी तरफ। द स्प्रिंग ब्रिंग्स बैक द आर्मेचर टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन एंड द हैमर मूव्स अवे फ्रॉम द गोंग। अब फिर से जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट बंद होगा तो ये आर्मेचर फिर से इधर आ जाएगा और दूर हो जाता है गोंग से। एज सून एज द आर्मेचर कम्स बैक एंड टचेज कॉन्टेक्ट स्क्रू, कि जैसे ही आर्मेचर वापस आता है और ये कॉन्टेक्ट स्क्रू को फिर से टच करता है तो फिर से क्या हो जाएगा, द सर्किट इज कम्प्लीट एंड करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन द इलेक्ट्रोमैग्नेट कोयल अगेन। और जो करंट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट कोयल में फिर से चलना शुरू करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट वंस अगेन अट्रैक्ट द आर्मेचर एंड द हैमर स्ट्राइक्स द गोंग अगेन प्रोड्यूसिंग द साउंड। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो अगेन क्या करेगा, अट्रैक्ट करता है आर्मेचर को और फिर से जो हैमर है वो स्ट्राइक करेगा, एंड द दिस प्रोसेस ऑफ मेक एंड ब्रेक ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज वी आर प्रेसिंग द स्विच, कि जब तक हम स्विच प्रेस करते रहेंगे तो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता चला जाता है। सो दस द हैमर स्ट्राइक्स द गोंग रैपिडली प्रोड्यूसिंग ऑलमोस्ट कंटिन्यूस साउंड्स एंड वी से दैट द बेल इज रिंगिंग। और जो हैमर है वो लगातार गोंग को बजाता रहेगा और हम ये कह सकते हैं कि जो बेल है वो रिंग हो रही है। फास्ट ट्रैक में देखते हैं कि दीज डेज द यूज ऑफ मिनिएचर सर्किट ब्रेकर MCB होती है इज क्वाइट पॉपुलर इन प्लेस ऑफ ट्रेडिशनल फ्यूज। जो हम ट्रेडिशनल अभी फ्यूज हमने पढ़े थे कि जो सर्किट को ब्रेक कर सकते हैं उसकी जगह अब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स आते हैं। तो दे आर एक्चुअली स्विचेस विच टर्न ऑफ ऑन देयर ओन इन केस ऑफ करंट इन द सर्किट एक्सीड्स द सेफ्टी लिमिट सिंपली टर्निंग द ऑन रिवाइव द सर्किट। अब क्या होता है जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ये स्विच ऑफ हो जाते हैं अपने आप ऑटोमेटिकली।
और फिर हम सिर्फ इसको ऑन कर देते हैं तो ये फिर से रिवाइव कर देगा, यानी सर्किट फिर से पूरा हो जाता है और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना शुरू कर देगा उसे। ठीक है, दीज आर द कीवर्ड्स जो आप ध्यान देंगे। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या था? द पाथ थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो, वो पाथ जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है उसे इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। बैटरी, द कनेक्शन ऑफ टू और मोर सेल्स इन ए सीरीज और पैरेलल, इसको हम बैटरी बोलेंगे, यानी दो या दो से ज्यादा सेल या तो सीरीज में या पैरेलल जुड़ी हुई होंगी तो उसको बैटरी कहा जाता है। फिर रेजिस्टेंस, द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल थ्रू विच इट ओपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, वो प्रॉपर्टी किसी भी मटेरियल की जिसकी वजह से वो करंट के फ्लो को अपोज करता है उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। एंड द फुल फॉर्म ऑफ सी एफ एल्स जो घर में हम यूज करते हैं वो कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प होते हैं। देन इलेक्ट्रिक फ्यूज, ये बल्ब की जगह यूज होने लगे हैं। एंड इलेक्ट्रिक फ्यूज आर सेफ्टी डिवाइस विच प्रिवेंट्स एक्सेसिव करंट फ्रॉम फ्लोइंग इन ए सर्किट। इलेक्ट्रिक फ्यूज वो सेफ्टी डिवाइस की तरह से यूज होते हैं जो एक्सेस करंट को फ्लो होने से रोकते हैं किसी भी सर्किट में। अब शॉर्ट सर्किट क्या होता है? कि सडन फ्लो ऑफ वेरी लार्ज करंट ड्यू टू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ ए लाइव वायर और ए न्यूट्रल वायर। ठीक है, कि अगर कभी क्या हो जाए कि लार्ज करंट हो जाता है, अगर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो जाए लाइव वायर और न्यूट्रल वायर का तो उसे शॉर्ट सर्किट बोल देते हैं, इससे आग लग सकती है। एंड ओवरलोडिंग, द ओवर हीटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिकल वायरिंग इन ए सर्किट ड्यू टू द फ्लो ऑफ लार्ज करंट फ्लो, अगर किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर वायर के थ्रू बहुत ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है तो हीटिंग होनी शुरू हो जाएगी, उसी को हम क्या कहते हैं, ओवरलोडिंग कहते हैं। एनएमसीबी अभी हमने पढ़ा था, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट आर टेम्परेरी मैग्नेट कंसिस्टिंग ऑफ ए सिलेंड्रिकल कॉइल अराउंड ए सॉफ्ट आयरन बार एस कोर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? टेम्परेरी मैग्नेट है, में क्या होगा, सिलेंड्रिकल कॉइल होते हैं अराउंड ए सॉफ्ट आयरन बार एस कोर, सॉफ्ट आयरन बार के चारों तरफ हम क्या लगा देते हैं कॉइल, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। एंड लेट्स सी व्हाट इज इन चेकअप, कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ए कंडक्टर सच एज मेटल वायर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट और जस्ट करंट, यानी कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना उसे हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट या जस्ट करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्ट्रीम ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रिक करंट क्या है कि वो एक मूविंग इलेक्ट्रॉन का स्ट्रीम होता है, यानी धारा होती है बहती रहती है। द पाथ अलोंग विच द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, वो पाथ जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। द हीट प्रोड्यूस डिपेंड ऑन द करंट द मटेरियल ऑफ द वायर एंड द टाइम फॉर विच द करंट इज पास, अगर जो हीट जनरेट होती है वो डिपेंड करेगी एक तो करंट कितना फ्लो कर रहा है, किस तरीके का जो वायर हो किस मटेरियल का बना और कितने टाइम तक हमने करंट उससे पास किया हुआ है। द नाइक्रोम वायर गेट्स हीटेड टू है हाई टेम्परेचर ड्यू टू इट्स हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि नाइक्रोम वायर का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, इस वजह से वो हाई टेम्परेचर पे हीट हो सकता है बिना अपनी शेप चेंज किए मेल्ट हुए। द सोलेनोइड बिकम्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द वायर, और जो सोलेनोइड है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेट बन जाता है जब हम इलेक्ट्रिक करंट उससे क्या करते हैं पास करते हैं। तो एन इलेक्ट्रिक बेल इज द डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो इलेक्ट्रिक बेल हम यूज करते हैं घरों में वो क्या है, डायरेक्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो हम अपने घरों में यूज करते हैं। ये आपका कंप्लीट चैप्टर का रीडिंग और एक्सप्लेनेशन था, जस्ट सी इट two or three times then you would get clearly.